हम वेसिडियो माइकोटिना ग्रुप में एक और फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पक्सिनिया इस ग्रुप का एक मेंबर के बारे में पढ़ा था, जो कि डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट है और पैथोजन की तरह से रहता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। उसके कंट्रास्ट में हम एक और जो फंगस को देखने जा रहे हैं, उसका नाम है एगेरिकस, और कॉमनली हम इसको मशरूम कहते हैं। आप सभी इस मशरूम से फैमिलियर हैं, क्योंकि आजकल ये मशरूम बहुत इजीली नेचर में तो अवेलेबल है ही। उसके अलावा आप मार्केट में सब्जियों की दुकानों में मशरूम नाम से आप खरीदते हैं अपनी सब्जी के लिए, और उसको रेलिश करते हैं अपनी टेबल डेलिकेसी के रूप में। तो यही एगेरिकस वही फंगस है जो कि एडिबल है। ये पक्सिनिया के कंट्रास्ट में, पक्सिनिया का एक मेंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके कंट्रास्ट में एगेरिकस एक फ्लैशी फंगस है। फ्लैशी फंगस का मतलब क्या है कि ये इसकी प्लांट बॉडी बहुत सॉफ्ट दिखाई पड़ती है, और एक्चुअल प्लांट बॉडी जो होती है वो जमीन के अंदर बैरिड रहती है। जो माइसीलियम है वो जमीन के अंदर होता है, जो ऊपर की तरफ इरेक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखता है, जो कि एडिबल पार्ट है, जिसमें जिसको आप कॉमनली आप कहते हैं कि एक छतरी के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। तो ये फंजाई जो है, इसके जितने भी मेंबर्स या जितने भी स्पीसीज हैं, ये नेचर में हर जगह मिलती हैं, किसी डंग के ऊपर या मॉइस्ट प्लेसेस में, या किसी लॉग्स के ऊपर, किसी कटे हुए पेड़ के तने के ऊपर ग्रो करती भी, और नेचर में घास के ऊपर, या अगर आप आर्टिफिशियली भी इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो आप जित डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया होंगे कई तरह के, उसके ऊपर भी अगर इसके स्पोर्स को डालेंगे तो अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलने पर, मॉइस्चर और एटमोसफियर टेम्परेचर की कंडीशन मिलने पर, इसके माइसीलियम वहाँ भी डेवलप कर जाता है, और भी सूटेबल कंडीशन मिलने पर इसमें आप बाद में फ्रक्टिफिकेशन या जो एरियल पार्ट है वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन ये फंगस, और सेप्रोफाइट है। अनलाइक पक्सिनिया, ये सेप्रोफाइट है। इसको आप सेप्रोफिटिक फंगस आप जानते हैं, मृतोपजीवी जिसको कहते हैं, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रेश सब्सटेंसेस के ऊपर ग्रो करता है, उससे अपना खाना ये डिराइव करता है। इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, माइकोटा किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, क्लास हाइमिनोमाइसिटीज, ऑर्डर एगेरिकेस, फैमिली एगेरिकेसी एंड जीनस एगेरिकस। एगेरिकस की कई सारी स्पीसीज हैं, सारी स्पीसीज इसकी जो एगेरिकस बायोस्पोरस है, ये बहुत कॉमन फंगस है, जो कि जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एडिबल है और बहुत डिमांड में होता है टेबल डेलिकेसी के रूप में। लेकिन इसकी कई स्पीसीज इस हाइमिनोमाइसिटीज के अंदर, जो फंजाई आते हैं एगेरिकस के अंदर आते हैं, सभी एडिबल नहीं है, बल्कि कुछ पॉइजनस भी हैं। तो ये ग्रुप इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारे फंजाई भी इंक्लूडेड हैं, फॉर एग्जांपल एगेरिकस जो कि एडिबल है, उसके अलावा भी इसमें इस एगेरिकस के अंदर वो वाले फंजाई भी इंक्लूडेड हैं, फ्लैशी फंजाई जो कि पॉइजनस हैं, और दे कॉज पॉइजनिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल्सो इन एनिमल्स। तो यूबिक्यूटस इन डिस्ट्रीब्यूशन पहला पॉइंट आपने देखा। उसके अलावा इसमें जो बेसिडिया हैं वो हमेशा बेसिडियो काप्स के अंदर होते हैं। पक्सिनिया के केस में जो दूसरा जीनस है उसमें कभी भी बेसिडियो काप नहीं बनते, इसलिए उसका क्लास डिफरेंट है। ये हाइमिनोमाइसिटीज के अंदर जो भी जदरा इंक्लूडेड हैं, इन सब में एक क्लियर कट बेसिडियो काप है। बेसिडियो काप से मतलब है ये फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअल फंगस नहीं है। एक्चुअल फंगस रिमेन्स बैरिड इन द सॉइल, सॉइल के अंदर बैरिड होता है, और इससे जब बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, इससे एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये एरियल पार्ट निकलता है। एरियल पार्ट डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक ऊपर की तरफ छाता नुमा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, जो आपने आपने देखा है नेचर में भी, और मार्केट से भी अगर आप खरीदते हैं तो एक
एरियल पार्ट जिसको आप खाते हैं, और तीसरा इसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेम की तरह से होता है, इसको हम स्टाइप कहते हैं। इसके अलावा जो पाइलियस का पोर्शन है, ये हल्का क्रीमिश होता है और मैच्योर होने के बाद ये लाइट ब्राउन कलर का बन जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अगर आप इसको उल्टा करके अंदर की तरफ देखेंगे तो इसमें रेडियल और वर्टिकल गिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम गिल्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं गिल्स, और ये गिल्स के बीच में ही बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स डेवलप करते हैं। तो जाहिर है कि अगर ये बेसिडियो माइकोटिना का के अंदर इसको इंक्लूड किया है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होगा कि इसमें एक बेसिडियम ज़रूर प्रेजेंट होगा। बेसिडियम हमेशा बेसिडियोस्पोर्स बनाता है जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं शुरू में, और बाद में इनके जर्मिनेशन से फिर साइकिल इसका रिपीट होता है। तो अगर इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम देखें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एक हाइफा के फॉर्म में है। शुरू शुरू में जो इसका हाइफा होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है। मोनो से मतलब है सिंगल, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस हर सेप्टेट हाइफा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिडियो माइकोटिना का है, उसी तरह से सेप्टेट माइसिलियम होता है, और हर कंपार्टमेंट में सिंगल न्यूक्लियस होता है अर्ली स्टेजेस में। लेकिन हायर फंजाई में, क्योंकि देर इज ए ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी, तो इसमें होता क्या है कि दो माइसीलिया, एक प्लस स्ट्रेन का एक माइनस स्ट्रेन के माइसीलिया, ये प्लस स्ट्रेन का है, ये माइनस स्ट्रेन का हाइफा है। तो ये हाइफी अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से ये फ्यूज हो जाते हैं, और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक सेल ऐसी बनती है जिसमें कि ये दो आपस में एडजेसेंट एक दूसरे के साथ होते हैं। ये एक स्ट्रेन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइफा से आया हुआ न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब है कि ये दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई इसमें एक सेल के अंदर आ गए। अब ये न्यूक्लियाई लगातार डिवाइड करते हैं, और ये पोर्स के थ्रू, जो इसके अंदर पोर है इस सेप्टम के अंदर, ये पूरा माइसीलियम इसका डाइकैरियोटिक हो जाता है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे डिविजन होने से ये दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई पूरे माइसीलियम में फैल जाते हैं, और माइसीलियम सेकेंडरी बन जाता है। सेकेंडरी मीन्स डाइकैरियोटिक माइसीलियम, फ्यूजन नहीं होता, लेकिन दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई जैसे यहाँ दिखाए गए हैं उस तरह से बन जाते हैं। तीसरा डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस एक इंटरेस्टिंग ये है इस पर्टिकुलर ग्रुप में कि इसमें क्लैम कनेक्शंस दिखाई पड़ते हैं। क्लैम कनेक्शन एक नया फिनोमिनन है जो कि बेसिडियो माइकोटिना के हाइमिनोमाइसिटीज क्लास में बहुत कॉमन है। उसमें भी जो कि फ्लशी फंजाई हैं उनमें बहुत कॉमन है। तो ये कैसे होता है, अगर ये दो न्यूक्लियाई हैं, एक एरियल हाइफा के अंदर आपको डाइकैरियोटिक कंडीशन दिख रही है, तो ये होता क्या है कि सारा का सारा माइसीलिया कैसे डाइकैरियोटिक हो जाता है, इसमें ये दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से इनके बीच में सेप्टम इस तरह से बन जाता है कि एक ब्लैक वाला नीचे रह जाता है, दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई ऊपर वाले में रह जाते हैं, और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कैरी करता है अपने साथ एक नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई को। ये ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है कि एक न्यूक्लियस यहाँ से दूसरे में आ गया। तो इसमें जो दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई थे, इसके द्वारा, इस क्लैम कनेक्शन के द्वारा दूसरे सेल में आ गए, और इसी तरह से ये क्लैम कनेक्शन बनने से पूरा का पूरा माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो जाता है। तो डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस इन फ्लशी फंजाई में क्लैम कनेक्शन के द्वारा भी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन इन मशरूम्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फंगस में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर इसमें वेलम अर्ली स्टेजेस में आपको दिखाई पड़ता है, जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर छतरी नुमा होता है, लेकिन बाद की स्टेजेस में जब ये मैच्योर होता है थोड़ा फैल जाता है, तो वेलम ये ब्रेक हो जाता है और इसके रूडिमेंट्स ही सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, थोड़े से इसके अंश दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही बेसल पोर्शन में जो पार्ट
सॉइल से लगा हुआ होता है वो हाइफा है, ये हाइफी दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको कहते हैं हम वॉल्वा। ये हाइफी है, हाइफी के ऊपर वॉल्वा और इलोंगेटेड एक स्टॉक है जिसको स्टाइप कह रहे हैं, इसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मशरूम का, इस एगेरिकस का, क्योंकि इसके अंदर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहिए वो भी देखने को मिलता है, वो क्लेमाइडोस्पोर से या ओएडिया कभी कभी बन जाते हैं इसमें। और जब माइसिलियम खूब तेजी से फैलता है तो वो माइसिलिया आपस में एक दूसरे से इतने उलझ चुके होते हैं कि वो राइजोमॉर्फ टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो राइजोमॉर्फ के बारे में आप पहले जान चुके हैं। तो राइजोमॉर्फ एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है और हाइफी उसमें एक दूसरे के साथ उलझ के तभी ये पाइलियस और स्टाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि दिखाई पड़ता है पैरेन्काइमेटस सेल्स की तरह से। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ नहीं है बल्कि ये हाइफी के उलझने से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि हमें स्यूडो पैरेन्काइमेटस जिसको हम कह सकते हैं ये अपीयरेंस देता है जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स इसमें होंगी। कि मॉर्फोलॉजी आप देख चुके हैं और बोर्ड में इतने सारे डायग्राम बनाने पॉसिबल नहीं होते हैं, इसलिए स्लाइड के माध्यम से जो पिक्चर्स हैं उनके थ्रू आपको आसानी होगी समझने में। इसलिए एगेरिकस की आगे की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्लाइड्स के माध्यम से आप देखेंगे। ये हैबिट एंड हैबिटेट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एडिबल फंगस है, कॉमनली इसको मशरूम कहते हैं, सेप्रोफाइट है, इसकी स्पीसीज पैरासाइट नहीं है, और फॉरेस्ट के फ्लोर में, फील्ड्स में, लॉन्स में, वुड लॉग्स में, मैन्योर पाइल्स में, कहीं भी ये ग्रो कर सकता है और शेडी प्लेसेस प्रेफर करता है ग्रो करने के लिए। रेनी सीजन इसके लिए बेस्ट टाइम है इसकी ग्रोथ के लिए। आजकल अगर आप जंगल की तरफ जाएंगे या जहाँ ज़्यादा पौधे हैं या ट्रीज हैं वहाँ आप इनको, इन मशरूम्स को लगा हुआ देख सकते हैं। वैसे भी मार्केट में अगर आपको ये जंगल में नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट में सब्जी की दुकानों में एगेरिकस को देख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है और एक स्टॉक है जिसको स्टाइप कहते हैं। बेसल पार्ट में माइसिलियम होता है और कप की तरह से वॉल्वा होता है। अपर पोर्शन में स्टाइप के नीचे, स्टाइप के ऊपर और पाइलियस के नीचे गिल्स इसमें होते हैं लगे हुए, और ये गिल्स बड़े इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, जिसके बीच में बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। पाइलियस में हमेशा स्केल लाइक स्ट्रक्चर है। अर्ली पाइलस जो होता है, जो यंग एज का पाइलस है, वो क्रीमी कलर का होता है, बाद में ये ब्राउनिश कलर देता है। जब मेच्योर पाइलस हो जाता है तो ये क्रीम के बदले ब्राउनिश कलर का बन जाता है। ये एगेरिकस का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको पहले डायग्राम से ब्लैक बोर्ड में बता दिया गया है कि ये इसका माइसिलियम जो है वो शुरू में यूनि न्यूक्लिएट माइसिलियम है, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम है, और फिर बाद में ये जो बी दिखाई पड़ रहा है ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम होता है। इसके मेथड्स डाइकैरियोटाइजेशन के आप हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो क्लैम कनेक्शन से, एनास्टोमोसिस से, या किसी और तरीके से, सोमेटोगेमी से ये डाइकैरियोटाइजेशन इसमें हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जिक्र करें, एगेरिकस का में हमेशा रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा पेरिनेटिंग माइसिलियम के थ्रू होता है। माइसिलियम जब पूरा फंगस एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं होने की वजह से एरियल पार्ट ख़त्म हो जाते हैं, इसका माइसिलियम फिर भी ज़मीन के अंदर सर्वाइव करता रहता है, वो पेरिनेट करता है। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता हुआ माइसिलियम है वो फिर से नया माइसिलियम, फ्रेश माइसिलियम बनाएगा और अपनी लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट करता है। तो ये एक तरह से इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। पहले हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोस्पोर से भी इसमें होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स के बनते हैं, और क्लेमाइडोस्पोर्स थिक वॉल्ड
स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और जर्मिनेशन से फिर ये नए हाइफी बनाते हैं। क्लाइमेटोस्पोर्स हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। तीसरा मेथड कभी कभी इसमें ओइडिया के फॉर्म में दिखाई पड़ता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, वो सर्टेन कंडीशंस में बनते हैं और वो एक तरह से सेक्शुअल फंक्शन का भी काम करते हैं। जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डाइकेरियोटाइजेशन होना होता है उस टाइम ये जो ओइडिया हैं वो स्पर्मेशिया की तरह से एक्ट करते हैं, मेल स्ट्रक्चर्स की तरह से एक्ट करते हैं और डाइकेरियोटाइजेशन में मदद करते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, तो ये प्रूव करता है कि जैसे जैसे हम हायर फंजाई की तरफ जाते हैं, क्योंकि एगेरिकस हायर फंगस कहलाता है, ये बेसिडियो माइकोटिना को बिलोंग करता है। तो हमने पहले शुरू में इस बारे में पढ़ा था कि हम फंजाई में लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमें ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, जो कि एगेरिकस में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। इसमें कोई भी मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स आपको प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर भी इसमें प्रेजेंट होता है और वो होता है सोमेटोगेमी के द्वारा। सोमेटोगेमी आप जानते हैं कि दो हाइफी, एक प्लस स्ट्रेन का एक माइनस स्ट्रेन का हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और पहले उसमें प्लाज्मोगेमी होती है जैसा कि डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है बी स्टेज में, और सी स्टेज में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियाई भी एक दूसरे के साथ साथ आ गए हैं प्लाज्मोगेमी के बाद। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो गया और फिर अल्टीमेटली जो ये दो न्यूक्लियाई हैं ये डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं और क्लैम कनेक्शन के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो कि डायग्राम डी ई एफ और जी में आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि क्लैम कनेक्शन से पूरा का पूरा माइसीलियम में डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है। और ये जो कैरियोगेमी है इसमें कैरियोगेमी हमेशा बेसिडियम में ही होती है। बेसिडियम एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियो माइकोटिना का, और ये क्योंकि एगेरिकस बेसिडियो माइकोटिना को बिलोंग करता है तो इसमें भी जाहिर है कि बेसिडियम प्रेजेंट होगा। और ये जब बेसिडियम बनते हैं तो वो हमेशा गिल्स में बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के गिल्स में बनते हैं और उसमें दोनों न्यूक्लियाई वहाँ पर फ्यूज करते हैं। जब ये गिल्स के अंदर बेसिडियम बनते हैं तो दो न्यूक्लियाई जो हैं डाइकैरियोटिक स्टेज जो है वो सिंगल स्टेज सिंगल न्यूक्लियस के फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के बाद जो लास्ट स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है वो मियोसिस की है। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है जो कि बेसिडियम के ही अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनने से पहले हो जाता है, कैरियोगेमी के बाद मियोसिस हो जाती है और बेसिडियोस्पोर्स तभी बनते हैं जब मियोसिस होती है। कैरियोगेमी होने के तुरंत बाद ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि एगेरिकस में इमीडिएटली मियोसिस हो जाती है। इस तरह से चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए और ये चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फिर अल्टीमेटली चार बेसिडियोस्पोर्स को बनाते हैं मियोसिस के बाद। और ये जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं ये अल्टीमेटली बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। ये डायग्राम शो कर रहा है किस तरह से फिर ये बेसिडियम बनने के बाद ये पूरी इतनी बड़ी फ्रूटिंग बॉडी जो आपको छतरी नुमा बाहर दिखाई पड़ती है, क्योंकि माइसीलियम तो हमेशा ज़मीन के अंदर होता है, फिर ये ज़मीन से बाहर ये फ्रूटिंग बॉडी आपको मशरूम कैसे निकल के आ जाता है, ये प्रोसेस कैसे हो जाती है? तो जो डेवलपमेंट होता है बेसिडियो काप का वो हमेशा ज़मीन के अंदर होता है। शुरू में ये ज़मीन के अंदर ही सारा इसका प्रोसेस होती है, जैसा कि इस ए डायग्राम में आप देख रहे हैं छोटे छोटे मशरूम के पिन हेड्स जैसे आपको ज़मीन के अंदर दिख रहे हैं। ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है जो उसको दर्शा रही है कि बाकी हिस्सा उसका ज़मीन के अंदर है। माइसीलियम वेल डेवलप्ड ज़मीन के अंदर है और उसमें अर्ली स्टेजेस में छोटे छोटे पिन हेड्स जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो ज़मीन के अंदर ही बन रहे हैं। जब वो धीरे धीरे साइज में बड़े होते हैं, वो सफिशेंट मॉइस्चर फूड लेके साइज में बड़े होते हैं,
तो वो धीरे धीरे ग्राउंड से, अंडरग्राउंड से अपर ग्राउंड की तरफ आने लगते हैं, और ये टाइनी पिनहेड्स जो स्ट्रक्चर हैं ये सॉइल से निकल के ऊपर की तरफ आने लगते हैं, जो आप देख रहे हैं जहाँ पर बटन लिखा है, वो बटन मशरूम इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये छोटे छोटे पिनहेड्स लाइक सफ़ेद जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो धीरे धीरे ग्रो करके ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं। और जो लोग मशरूम का कल्टिवेशन करते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, उनके लेबोरेटरी में जिस जगह भी वो मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखने को मिलता है कि शुरू में आप स्पोर्स डालने के बाद आप कुछ दिन तक, दो तीन दिन तक कुछ भी नहीं देखेंगे सॉइल में जो आपने उसमें मीडियम डाला है, लेकिन दो तीन दिन के बाद आप देखते हैं बिल्कुल छोटे छोटे सफ़ेद पिन हेड्स की तरह से सॉइल से ऊपर निकलने लगते हैं, और ये इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ अगली स्टेज में आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो गई है, इसमें एक चैम्बर्स की तरह से स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ये साइज़ में बड़ी होने लगती है, इलोंगेट होने लगती है। इलोंगेशन होने के बाद इसमें बीच के सेंटर में ऊपर की तरफ प्री लैमिनर चैम्बर्स बनने शुरू होते हैं, और ये मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब फेवरेबल होंगी तभी ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इनको हम कहते हैं साइज में बड़े होने के बाद ये प्री लैमिनर प्राइमोर्डिया इनको बोलते हैं, जो चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, यही बाद में अल्टीमेटली गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये जो फ्रूटिंग बॉडी बन रही है ये इलोंगेट होगी, और नीचे का पोर्शन इसमें ये हमेशा एक स्टाइप के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, और फाइनली जो ई आपको डायग्राम दिख रहा है, जिसको कि ई नाम से हमने दिखाया है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर स्टाइप बन गया है। अपर पोर्शन जो था, जिसमें कि आपने देखा था कि लैमिनर चैम्बर बन गए थे, वो वाला स्ट्रक्चर गिल्स के फॉर्म में डेवलप हो गया, और उसके ऊपर जो बिल्कुल छतरी नुमा स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर पाइलियस बन जाता है। तो ये डायग्राम शो कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प। ये पूरे फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, क्योंकि ये बेसिडियो माइकोटिना का फ्रूटिंग बॉडी है, इसलिए हम इसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसी वजह से हम इसको फ्लैशी फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको टच करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, जो आप जिससे आप वाकिफ हैं, आपने अपने घरों में या मार्केट में मशरूम को देखा है, अगर आपने इसको जंगल में नहीं देखा है तो ये बहुत सॉफ्ट मशरूम है जो कि दो तीन दिन के बाद ख़राब होने लगता है और मुरझा जाता है। अब ये स्टेज जो फिगर आपको दिख रहा है बाईं तरफ, ये शो कर रहा है स्ट्रक्चर गिल्स का स्ट्रक्चर, और उसके बाद अलग अलग स्टेजेस बेसिडियम की। जब ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस समय ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप इसका काटेंगे तो आपको मालूम है, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि फंजाई के केस में जब माइसीलिया बनते हैं वो इस ज़्यादा इतने ज़्यादा आपस में उलझ जाते हैं कि वो पेरेन्काइमेटस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं अपने हाइफी को, वो हाइफी एक दूसरे से उलझ के एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि दाईं तरफ वाले में आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक सेंटर पार्ट होता है। अगर मशरूम का फ्रूटिंग बॉडी का सेक्शन काटोगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि बीच वाला हिस्सा जो है उसको ट्रेमा हम बोलते हैं, ट्रेमा के बाहर वाला हिस्सा दोनों तरफ सब हाइमिनियम का पार्ट है। सब हाइमिनियम, ट्रेमा और हाइमिनियम तीन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है दोनों तरफ से। ट्रेमा सेंटर वाला पार्ट है, दोनों तरफ सब हाइमिनियम होगा और उसके बाहर हाइमिनियम होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोई टिश्यूज नहीं है, बल्कि ये जो हाइफी हैं यही आपस में उलझ के इस तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो आउटर मोस्ट हाइमिनियल पार्ट है ये फर्टाइल पोर्शन होता है। फर्टाइल का मतलब है कि यही वाला पार्ट जो है इसमें बेसिडिया बनते हैं, और बेसिडिया ही फिर अल्टीमेटली अपने टिप पर चार बेसिडियो स्पोर्स बनाएंगे। तो एक अगर हम बेसिडियम को देखेंगे, बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखने के बाद एक बेसिडियम को देख के आपको अंदाज आएगा कि एक बेसिडियम के अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन है, क्योंकि माइसीलियम में डाइकैरियोटाइजेशन हो गया है। और ये बेसिडियम, जैसा हमने पहले कहा कि बेसिडियम के जो न्यूक्लियाई हैं ये यहीं पर कैरियोगेमी होती है, मींस कि
दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन यहीं पर होता है। तो बाएं वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे, पहला वाला स्टेज जो है उसमें दो न्यूक्लियाई दिख रही हैं, लेकिन सेकंड वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते ही फिर मियोसिस हो जाती है। मियोसिस होने से चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। फिर नीचे वाली जो बी डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं कि चार स्टेरिक मेटा बन रहे हैं और चार न्यूक्लियाई विद सम प्रोटोप्लाज्म माइग्रेट इनटू दीज स्टेरिक मेटा और स्टेरिक मेटा की टिप राउंड हो जाती है और चार बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। ये हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स धीरे धीरे मैच्योर करते हैं और मैच्योर होने के बाद इसका इनका रिलीज ये इससे डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। इसमें एक वाटर की एक बूंद कहीं से डेवलप हो जाती है और ये जोर लगाती है जिससे कि ये जो इसके डिटैचमेंट में बेसिडियोस्पोर के स्टेरिक मेटा से डिटैचमेंट में हेल्प करती है। ये जो लास्ट डायग्राम आपको बी फिगर में दिखाई पड़ रहा है डिटैचमेंट का, जहाँ पर बेसिडियोस्पोर डिटैच कर रहे हैं, उसके बेस में आपको एक ड्रॉप सी दिखाई पड़ रही है। तो ये ड्रॉप है वाटर ड्रॉप जो कि इसको मदद करती है रिलीज होने में। ये पूरा इसकी लाइफ साइकिल है जिसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि दो मेटिंग टाइप्स जो हैप्लॉइड माइसीलिया हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए और कॉन्टैक्ट में आने के बाद इन्होंने डिप्लोटाइजेशन की प्रोसेस से एक माइसीलियम बन गया जो कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, प्लाज्मोगेमी हो गई है और इसके बाद फाइनली ये फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती हैं जो डिटेल में आप देख चुके हैं पहले। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प कुछ नहीं है बल्कि ये फंगल हाइफी का बना हुआ एक फ्रक्टिफिकेशन है जो कि एरियल हमें मैच्योर होने के बाद ज़मीन से ऊपर आ जाता है। इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको ट्रेमा और सब हाइमिनियम और हाइमिनियम दिखेगा। हाइमिनियम इज़ द फर्टाइल पार्ट विच गिव्स राइज टू बेसिडिया एंड बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स जो हैं सिंगल न्यूक्लिएटेड हैं, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस होने के बाद ये मोनोकैरियोट इनके डिस्पर्सल से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप हो जाता है। तो इसमें तीन तरह की स्टेजेस आपको दिखाई पड़ रही हैं। हैप्लॉइड स्टेज जिसको हमने एन इस डायग्राम में दिखाया है, डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक का मतलब है दो न्यूक्लियाई हैं एन प्लस एन, और डिप्लॉइड स्टेज जो कि टू एन के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये इसका लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, इस वजह से इस फंगस की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी ये बहुत सॉट आफ्टर फंगस होता है जंगल में अगर मिलता है। उसके अलावा लोग इसको कल्टीवेट करते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है एगेरिकस की कल्टीवेशन की। और क्योंकि ये एडिबल मशरूम है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और कई कंट्रीज़ में तो ये बहुत टेबल डेलिकेसी है। अब हमारे कंट्री में भी क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेसिव बन रहे हैं तो मशरूम की डिशेज़ हमारे यहाँ भी बहुत पॉपुलर हो रही हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फंगस है। थैंक यू वेरी मच।